हनी सिंह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। इतने सालों से कहाँ थे हनी सिंह, इतने सालों के बाद आए हैं। कम से कम 9 साल के बाद हनी सिंह को देखने को मिली है। तो क्वेश्चन है कि हनी सिंह इतने साल कहाँ गायब हो गए थे, क्या रीजन थी, इसी के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइज अगर आप भी हनी सिंह के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हनी सिंह इंडिया के नंबर 1 रैप सॉन्ग करने वालों में से एक हैं। एक जमाना था जब हनी सिंह रैप सॉन्ग गाया करते थे, लेकिन कई सालों से हनी सिंह गायब थे। आज की डेट में ऐसे कोई भी आदमी या बच्चा नहीं है जो हनी सिंह को नहीं पहचानता है। बच्चे भी हनी सिंह को पहचानता है। हालांकि हनी सिंह कई सालों से गायब था, लेकिन आज भी कई पार्टी में हनी सिंह के सॉन्ग के बिना कई पार्टी अधूरी रह जाती है। अब बात करते हैं हनी सिंह कहाँ गायब थे। दरअसल हनी सिंह को एक बीमारी हुई थी। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इस बीमारी का नाम बायपोलर डिसऑर्डर, इसे हिंदी में समझाते हैं। ये बीमारी दो मूडों में होती है, एक मीनिया और डिप्रेशन। मीनिया जो नॉर्मल में रहती है फिर डिप्रेशन में आ जाती है। हनी सिंह जब डिप्रेशन में रहते हैं तो वह कई तरह के बातें करते हैं, गुस्से से तो कभी नॉर्मल में। जिस आदमी को बायपोलर डिसऑर्डर बीमारी हुई है उस आदमी की फेस 3 तरह के होते हैं, डिप्रेशन, नॉर्मल और मीनिया। तो गाइस ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। कभी कभी गुस्से में तो कई लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो गाइस यही रीजन थी हनी सिंह को एक बीमारी ने घेर लिया था, जिसके कारण हनी सिंह कई सालों से गायब थे और डॉक्टर ने इसे बहुत जल्द ही ठीक कर दिए हैं। तो हालांकि हनी सिंह फिर से वापस आ गए हैं और रैप सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस अगर आप भी हनी सिंह के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।